बाद में एक गांव में एचटी लाइन जोड़ने गए विद्युत विभाग के कर्मचारियों के ऊपर ग्रामीणों ने पथराव किया। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने थाने में तहरीर दी। जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के ग्राम पैगू निवासी रवि कुमार मकान बनवा रहे थे। 26 मई को कार्य कराने के दौरान सरिया मकान के ऊपर से गुजर रही 11 केवी की लाइन से छुल गई। इस दौरान करंट लगने से रवि कुमार झुलस गए थे। इस हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने 11 केवी लाइन को काट दिया था। विद्युत निगम टीम ने पिछले दिनों लाइन को जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने नहीं जोड़ने दिया। निगम की टीम मंगलवार शाम को फिर लाइन जोड़ने पहुंची तो ग्रामीणों ने फिर से विरोध किया। टीम में शामिल अधिकारी और पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण राजी नहीं हुए। महिलाओं ने गांव में टीम के आने का विरोध किया। टीम निराश होकर लौट रही थी। इसी बीच ग्रामीणों ने टीम पर पथराव करते हुए संविदा कर्मचारी शिव कुमार व बलवीर के साथ मारपीट कर दी। इस बीच कुछ ग्रामीणों ने विद्युत सब स्टेशन पहुंचे और कर्मचारियों को दौड़ाकर सभी फीडर की विद्युत आपूर्ति बंद करा दी। एसडीओ धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि आपूर्ति शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अवर अभियंता देवेंद्र सिंह ने थाने में तहरीर दी है। सूर्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। दया शंकर सर, ये कौन सा बिजली घर है सर? पैगू फीडर है जी जी। आप यहाँ किस वक्त पे हैं? एसएसओ सर्विस स्टेशन सर। आज से 8 दिन पहले क्या घटना हुई थी सर? है ना, यहाँ पर 1 बजे है ना बिजली चली गई थी। बिजली आने के बाद 4 बजे बिजली आई सर, है ना। हमारे फीटर सही लग गए साहब। सही फीटर लगने के बाद में एक गांव के व्यक्ति ने हमें फोन करके बताया कि ला बिजली का बिजली पे हाजी के फीटर बंद कर, दोनों पैबू और पीटीडब्ल्यू और टाउन दोनों बंद कर दिए। एक लड़का बिजली ने पकड़ लिया गया यार, मैंने बंद कर दिया सर। बाद में फीटर बंद रहा। बंद रहने के बाद में गाँव के कुछ लोग आए, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। फिर आए प्रधान जी मोटरसाइकिल पर आए, तो मोटरसाइकिल उनके साथ में एक आदमी था सर। तो उसने कहा, प्रधान जी बोले कि कहा बिजली घर बंद है, बंद रहना रखने रहना, बस बिजली घर पूरा बंद रहा। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का नाम नहीं जानते सर, अभी फौजी हैं अभी वर्तमान में। अभी प्रधान जी हैं, अभी जो वर्तमान प्रधान जी हैं वो थे सर, उनके भाई है ना। फिर क्या हुआ? बस वो कह के चले गए यहाँ से, बिजली घर बंद रहना, बंद रहा सर, चले गए। इसी टाइम जिस जगह बंद कह गए ना, बंद रहना, तो बंद ही रहा। तब तक है ना गाँव वालों ने वहाँ पर तार काट दिए साहब, तार काट दिए। तो हमने जय साहब से बात करी, उन्होंने जय साहब बोले बेटा है ना जिस जगह खराब है वो बंद रहने दो, बाकी बाद में आगे चलवा दो लाइन। फिर हमारा लाइनमैन गया और दूसरी जगह जंपर खोल के जहाँ के जंपर खोल के वहाँ के ना लाइन चालू करवा दी सर। इतनी हुई दुर्घटना। नहीं तो उस दिन से आज तक वहाँ पर लाइन नहीं जुड़ी है? नहीं जुड़ी सर। क्यों नहीं? गाँव वालों ने कहा है, विभाग से कहा है साहब, हम तो ड्यूटी चले जाते, छुट्टी है, दूसरे आदमी आते तो उनको कोई कुछ कोई पता। क्या वजह रही कि क्यों? वजह का सर है ना, वो लाइन लड़का नहीं पकड़ लिया बिजली ने, तो गांव वाले कहते हैं साहब है ना लाइन जब तक हम लगाए नहीं देंगे यहाँ पर, है ना। विभाग से ये कहते हैं हम लगाए नहीं देंगे सर, ये बात है। आज क्या घटना हुई थी? आज सर है ना हमारे एसडीओ साहब जय साहब हमारे यहाँ पर आए, कुछ अधिकारी और थे साथ में, है ना, गाँव में है ना गए तार जोड़ने के लिए। गाँव वालों ने कुछ विरोध किया और दुर्घटना के साथ है ना हमारा लाइन वाइन पीट दिया सर। ये सारी दुर्घटना हुई है। पुलिस फोर्स भी था साथ में, और हमारे एसडीओ साहब थे, जय साहब थे। शिव कुमार नाम है मेरा, पैगू फीडर पर रहते हैं, लाइन मैन है, ठीक। अच्छा। आज से 7 दिन पहले घटना थी। आज आए जय साहब लाइन जुड़वाने के लिए, एसडीओ साहब आए धर्मेंद्र राजपूत, और फोर्स भी आया था, सब साथ में आए थे, ताकि वह लाइन जुड़ने नहीं दी। जय साहब ने बोला 7 दिन पहले क्या हुआ था? 7 दिन पहले लेंटर पर रहा था, तो लेंटर में ऐसा उन्हें सिद्धा लेने आए नहीं, कुछ आए नहीं। उसने कहीं मिस्त्री पे कुछ फंटी लग गई, या घर का मिस्त्री कुछ भी हुआ, तो उसको करंट लग गया था। बाकी बात आज लाइन में जय साहब आए थे, एडियो साहब। फिर क्या वहाँ लाइन काट दी गई थी? हाँ, वहाँ लाइन तार काट दिए थे उन्हें अपनी छत से, उन्हें काट दिए थे। हाँ, फिर उन तार काट दिए, तो फिर आगे से मैंने सेव करके फीटर तो चालू हो गया था उस दिन। आज गए थे जय साहब आए, एडियो साहब जुड़वाने के लिए, पुलिस फोर्स भी आया था, उन्हें जुड़ने नहीं दिया। ताकि बाद फिर जय साहब ने बोला था मेरे से कि आप ऐसा करो तो इसको ट्रांसफार्मर को बंद कर दीजिए। तो हाँ, मैं ट्रांसफार्मर बंद करने के लिए छड़े धर्मेंद्र राजपूत सामने खड़े, देवेंद्र जय साहब खड़े, और पुलिस फोर्स भी खड़ा था। तो वहाँ पर मैं छड़े वहाँ पर एक भी खोल नहीं पाया मैंने। रात पहले जनता पब्लिक आ गई, पब्लिक मेरे को आके पकड़ लिया, मेरे पे मार लगाई, सब काम किए, और जय साहब एडियो साहब भग गए वहाँ से छोड़ के। लोकेश कुमार नाम है, ग्राम पहू है मेरा, और मैं किसान हूँ, मेरा ट्यूबवेल भी है। और 7 दिन पहले तार टूट गया था, वो अभी तक जुड़ा नहीं है। जय साहब से कई बार कह चुके हैं, लेकिन उनके संज्ञान में सारी बातें होने के बावजूद भी आज वो आए,
और उन्होंने जुड़ने की कोशिश की तो गांव के कुछ लोगों ने उसको तारों को जुड़ने नहीं दिया और हमारी फसल सूख रही है। 40-45 बीघा मक्का है, मेरा नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या मांग है आपकी? मांग तो ये है कि मेरा तार जुड़ जाए, मेरी फसल भर जाए, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, मेरी मक्का खड़ी है और हमें तो बिजली चाहिए। आज किस तरह का वाकया हुआ था लाइन जोड़ने के ऊपर? लाइन जोड़ने के लिए ये सारे लोग गए थे, जेई साहब भी गए थे, लेकिन वहाँ लोगों ने जोड़ नहीं दिए, लाइन मैन को पकड़ लिया, जेई साहब वगैरह जब मारपीट होने लगी तो वो लोग सब भाग गए और उसके बाद तार जुड़ा नहीं है अभी तक और सब ऐसे ही है, सब कोई सुनता ही नहीं है। 7 दिन से बिजली नहीं मिल रही है, फसल सूख रही है। फिरोजाबाद